बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहार, मैं ममता सोनी, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया। आपको बता दें कि रायपुर में प्रदेश के सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था वक्ता मंच ने दिनांक 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संजीवनी वृद्धाश्रम कोटा में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया। अवसर पर अन्नदान कार्यक्रम के तहत आश्रम को आलू, प्याज, तेल, आटा, दाल, चीनी, पोहा, मुर्रा, सोया बड़ी, बिस्कुट, शक्कर व मिठाइयों के रूप में 200 किलो सूखा राशन प्रदान किया। दोपहर 2 बजे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व पूर्व विधायक महंत राम सुंदर दास ने वक्ता मंच की राशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर दुधधारी मठ से संजीवनी वृद्धाश्रम के लिए रवाना किया। इसके पश्चात 3 बजे वृद्धाश्रम में मर्मस्पर्शी कविताओं, भजनों व संबोधन के साथ राजधानी के प्रबुद्ध जनों ने इस आयोजन को प्रत्येक के लिए हृदय स्पर्शी बना दिया। वक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश पराते ने जानकारी दी कि आरंभ में मंच के पदाधिकारियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों व प्रबुद्ध जनों ने आश्रम के निवासियों को रक्षा सूत्र पहनाकर उनकी आरती उतारी एवं गिफ्ट व मिठाइयां भेंट की। कार्यक्रम को सुनील पांडे, उर्मिला देवी, ज्योतिका मित्रा, चंद्रकला त्रिपाठी, डॉक्टर गौरी अग्रवाल, राजेश पराते, ज्योति शुक्ला, डॉक्टर कमल वर्मा, इंद्रदेव यदु, प्रमोद देवांगन, विवेक बेहरा, शुभम साहू, यशवंत यदु, मनीष पटेल सहित अनेक बुद्धिजीवियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर आश्रम के निवासियों ने मर्मस्पर्शी भजनों की प्रस्तुति भी दी। सदैव आश्रम परिवार के साथ खड़े रहने के लिए, खड़े रहने के संकल्प के साथ मंच के संयोजक शुभम साहू द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम समाप्त हुआ। साथ ही आपको बता दें कि वक्ता मंच वर्षों से दीपावली व रक्षाबंधन के अवसरों पर समाज सापेक्ष गतिविधियों को आयोजित करते रहते हैं, इसी कड़ी में इस आयोजन को सम्पन्न किया गया। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।